चलिए खबरों का रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बैंगलोर में आयोजित इंटरैक्टिव सेशन को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने कार्यक्रम में सिंगल क्लिक के माध्यम से एवीजीसी एक्सआर नीति 2024 लॉन्च की। बैंगलोर में आयोजित इंटरैक्टिव सेशन में कर्नाटक समेत आसपास के राज्यों के निवेशकों ने सहभागिता की। इस दौरान सीएम ने 30 से ज्यादा प्रमुख उद्योगपतियों से वन टू वन चर्चा की। वहीं इंटरैक्टिव सत्र के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया से चर्चा की और उन्होंने कहा कि गूगल क्लाउड ने कुशल कार्य बल को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश में स्टार्टअप हब ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना का प्रस्ताव दिया है और तेजस विमान के निर्माता हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एमपी की रक्षा संबंधित उद्योग स्थापित करने को लेकर चर्चा हुई, जिसके सकारात्मक परिणाम आने की संभावना है। साथ ही सीएम ने कहा कि इंटरैक्टिव सत्र में लगभग 3,200 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। इससे लगभग 7,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है और आईटी सेक्टर में 4 MOU साइन हुए हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी एवं नेस्कॉम जो कि आईटी कंपनी की ख्यातनाम संस्था है के प्रतिनिधियों द्वारा राउंड टेबल चर्चा की गई और उसमें काफ़ी अच्छे सकारात्मक परिणाम आने की संभावना है। इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, TCS और अन्य बहुत सारे संस्थाओं के साथ भविष्य में आईटी की संभावनाओं पर निवेश के बड़े अच्छे संभावनाओं से वाले सेक्टर पर बात हुई है। मुझे भरोसा है कि जिस प्रकार से रिस्पांस मिला है मध्य प्रदेश में बहुत जल्दी कई सारी आईटी कंपनियों को हम अपने कैंपस बनाते हुए देखेंगे। मुझे इस बात का संतोष है कि आईटी सेक्टर में 4 MOU हमारे हुए हैं। इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर एसोसिएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया, एसोसिएशन ऑफ जियो स्पेशल इंडस्ट्री, ऐसे कई अलग अलग प्रकार के MOU के माध्यम से मैं मान के चलता हूँ कि यह दौरा सकारात्मक रहा है, खास करके निवेश के क्षेत्र में। और जैसा कि हमने माना है कि हमारी कर्नाटक और मध्य प्रदेश की एक तरह से भाई भाई का संबंध है, एक जैसा माहौल, एक जैसा वातावरण, और जिन्होंने यहाँ व्यापार व्यवसाय बढ़ाया है उनको और स्पेस मिले, वो अपने काम को और बढ़ाए, इस भाव से हम यहाँ आए हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि कुल मिलाकर के लगभग 3200 करोड़ से ज़्यादा के निवेश के प्रस्ताव और लगभग 7,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलने की संभावना का एक अनुमानित आंकड़ा हमारे को मिला है।